हेलो दोस्तों, वेलकम टू जस्ट यूपीएससी एग्जाम। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट इज़ द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। तो ये काफ़ी अच्छा कोट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एसे में या आप GS4 के पेपर में या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी आपको टॉपिक आता है तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। तो फर्स्ट, हमारा पिछली बार जो ड्रॉट के बारे में पढ़ रहे थे, डेफिनेशन के बारे में, उसमें एक पॉइंट छूट गया था। जो ड्रॉट का मैनुअल आया था 2016 के अंदर, उसमें जो हीट वेव की डेफिनेशन थी उसको भी इन्होंने मतलब स्टैचुटरी स्टेटस दे दिया था, मतलब एक तरीके से डिफाइन कर दिया था अच्छे से। ठीक है, हीट वेव ऐसे पहले हम नॉर्मली खुद ही डिफाइन करते थे कि काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाए तो उसको हीट वेव बोलते, लेकिन इन्होंने इसको डिफाइन करके बता दिया हुआ है। तो ये ऑफिशियल जो डेफिनेशन है इसकी, कि टेम्परेचर जो है ग्रेटर होगा 4.5 डिग्री अबव जाएगा, जो कि यूजल होता है। मान लो कि यूजल अगर 40 है तो 40 से अगर 4.5 अबव जाएगा और काफ़ी थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करेगा तो उसको हीट वेव बोलेंगे। तो डेफिनेशन आ सकती है इसकी। नेक्स्ट आता अर्थ फेसिंग सिक्स मास एक्सटिंक्शन। तो जो सिक्स हमारी मास एक्सटिंक्शन है वो फेस कर रहा है अर्थ। तो पहली पांच हो चुकी हैं, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कब हुई, लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए। कहीं अगर एक आधी स्टेटमेंट के अंदर पूछ लिया कि अर्थ जो है फिफ्थ जो मास एक्सटिंक्शन है वो फेस कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा, सिक्स कर रहा है। नेक्स्ट आता ब्लैक कार्बन इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो ब्लैक कार्बन होती क्या है? ब्लैक कार्बन होती है जब इनकम्प्लीट कम्बस्चन होता है, ठीक है, जलती है कोई चीज़ इनकम्प्लीटली, तो उससे ब्लैक कार्बन निकलता है। ठीक है, ब्लैक कलर का जो स्मोक वगैरह देखते हैं उसके अंदर ब्लैक कलर के पार्टिकल्स होते हैं तो उनको ब्लैक कार्बन बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पहुंच गए। तो न्यूज़ ये आई थी कि मतलब जो एरोप्लेन हो रहे हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में, वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा इजेक्ट कर रहे हैं, उनमें इनकम्प्लीट जो कम्बस्चन होता है फ्यूल का उसकी वजह से ब्लैक कार्बन आ रहे हैं सरफेस जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में। ठीक है, और ये ओजोन को डिप्लीट करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे क्या क्या इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं ब्लैक कार्बन के, एक तो ये एल्बिडो वैल्यू को, मतलब जो एल्बिडो वैल्यू होती है उसको कम कर देता है। एल्बिडो वैल्यू होती है कि मतलब कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपकी हीट पड़ी वो कितनी उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये ब्लैक कार्बन है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा तो उसकी एल्बिडो वैल्यू कम हो जाएगी। तो मानसून, जैसे सेकंड पॉइंट है हमारा अपसेट, मानसून में इशू क्रिएट कर देता है, क्योंकि मानसून आपको पता है जो हीट का बैलेंस होता है उसी पे डिपेंड करती है मानसून। ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर बनते हैं तो ये उसको डिस्टर्ब्ड कर देता है। ठीक है, ब्लैक जो कार्बन है, और ओजोन को डिप्लीट कर सकता है ये, जैसे जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं सब्सटेंस उनको पैदा करने में मतलब हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो सेकेंडरी सब्सटेंस बनाएगा ये, जो कि मतलब फर्टाइल ग्राउंड एक्ट करेगा, जो केमिकल्स ओजोन को डिप्लीट करते हैं उनके लिए। ठीक है, और ये ग्लेशियर होते हैं उनकी मेल्टिंग को भी एनहेंस करेगा, क्योंकि ब्लैक कार्बन हमने देखा ये एल्बिडो वैल्यू को कम कर दे रहा है। ठीक है, उसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हीट और वो गर्म हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, और अब बाकी आपको क्वेश्चन कराइए इसकी बुक में मिलेगा, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, फिर ब्लू कार्बन है हमारा एंड ग्रीन कार्बन। तो ये चार डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से टाइप के कार्बन चाहिए। नेक्स्ट आता हमारा समर प्रोजेक्ट। तो समर प्रोजेक्ट है इंडियन मेटेरोलॉजिकल, जो डिपार्टमेंट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, इन्होंने चलाया हुआ है समर प्रोजेक्ट। आपको याद रखना है ये है एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। ये किस चीज़ के लिए है? स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक कार्बन, जो हमने अभी पढ़ा उसको स्टडी करेंगे, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आती है, यहाँ पे टर्म आ रही है एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं? तो एरोसोल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एरोसोल होते हैं कोई भी मतलब छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होंगे या लिक्विड की ड्रॉपलेट होंगी जो कि एयर के अंदर सस्पेंडेड होगी, एयर के अंदर होंगी वो या किसी गैस के अंदर में। ठीक है, सॉलिड या लिक्विड कोई गैस के अंदर है उनको एरोसोल बोलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप लेंगे तो नेचुरल में हो सकते हैं, जैसे फॉग है हमारी, डस्ट है, इनको भी एरोसोल बोल सकते हैं। ठीक है, एरोसोल कोई पर्टिकुलर ग्रुप का नाम नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट को एरोसोल बोलते हैं, ये कोई भी सॉलिड या लिक्विड जो एयर के अंदर सस्पेंडेड है उनको बोल सकते हैं एरोसोल। तो एनवायरनमेंट में कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं ऐसे छोटी छोटी। ठीक है, और एयर पॉल्यूटेंट होते हैं छोटे छोटे, उनको भी एरोसोल बोलते हैं। स्मोक होती है उसको भी एरोसोल बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्प्रे होता है जैसे डिओड्रेंट होता है उससे जो निकलेगा उसको भी एरोसोल ही बोलेंगे आपको, क्योंकि वो क्या है आपके सॉलिड या लिक्विड जो है एयर के अंदर सस्पेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको एरोसोल बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टर्म बायो इंडिकेटर। तो यहाँ पे टर्म है बायो, बायो मतलब कोई लिविंग चीज़ है और इंडिकेटर मतलब कुछ इंडिकेट कर रही है, जैसे ह्यूमन भी होता है। मान लो कोई झगड़ालू सा पर्सन है, उसको आप किसी प्लेस के ऊपर देख लेते हो तो आप सोच सकते हो कि मतलब वहाँ पे झगड़ा होने वाला है या कुछ भी, जैसे कोई शरीफ आदमी है उसको किसी प्लेस पे देख के आप समझोगे कि मतलब ये शरीफ है तो यहाँ पे मतलब सेफ हो सकता है हमारे लिए प्लेस। तो उसी तरीके से बायोलॉजिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करने को बोलते हैं बायो इंडिकेटर, मतलब कुछ इंडिकेट करेंगे वो, उनकी प्रेजेंस या अब्सेंस कोई चीज़ का इंडिकेशन देगी, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि मतलब किसी इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में बताएंगे, उनकी प्रेजेंस या उनकी एब्सेंस किसी इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में बताएंगी। तो न्यूज़ ये थी, जापानी साइंटिस्ट ने बताया कि जो मॉसिस हैं जो रॉक्स वगैरह या ट्री के ऊपर मिलती हैं, जैसे ये जो नीचे दिख रही हैं आपको काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, ये मॉसिस हैं,
ये क्या कर सकती है कि बायो इंडिकेटर के तौर पे एक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो मॉसिस होता क्या है, मॉसिस है नॉन वेस्कुलर प्लांट। नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिनमें मतलब वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो फूड है उनकी और वाटर को ट्रांसफर करने के लिए उनमें चैनल्स बने होने, ठीक है, चैनल बने होंगे ऐसे, जाइलम फ्लोइम। लेकिन नॉन वेस्कुलर वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोइम अब्सेंट होते हैं, ठीक है, वो फूड और वाटर को किसी और तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। और मॉसिस को ही ब्रायोफाइट भी बोलते हैं आप, ठीक है। और मॉसिस जो होते हैं फ्लावरलेस होते हैं और स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर बनाते हैं ये, उन स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं अपनी जो जनरेशन होगी इनकी। तो इसके बारे में ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो चिपके हुए हैं, जो ट्री है हमारा इसके साथ में लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मॉसिस, ठीक है। और ये बायो इंडिकेटर की तरह एक्ट कर सकते हैं। बायो इंडिकेटर कैसे, जैसे एनवायरनमेंट में ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया तो इनके ऊपर स्ट्रेस पड़ जाएगी और ये अपना कलर चेंज करने लगते हैं, या कोई मतलब ऑब्जेक्ट होता है जैसे कैडमियम वगैरह की काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप इनको निकालोगे यहाँ से, लैब में टेस्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा एनवायरनमेंट में लेड कितना है। तो मतलब इंडिकेटर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं ये, एनवायरनमेंट के मतलब किस तरीके का एनवायरनमेंट अच्छा है बुरा है उसको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बायो इंडिकेटर कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी बायो इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। एक लाइकन, लाइकन के ऊपर क्वेश्चन पहले पूछ लिया है कि लाइकन होते क्या हैं, किसकी सिम्बायोसिस होती है लाइकन, ठीक है। तो ये वाइडली यूज होते हैं इंडिकेटर की तरह, किस चीज़ के लिए, अगर एयर जो है प्रेजेंट है वो सल्फर डाइऑक्साइड से पॉल्यूटेड है, अगर एयर जो वहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे लाइकन जो होंगे अब्सेंट होंगे। जैसा हमने पहले देखा कि बायो इंडिकेटर वो होते हैं जो जिनकी मतलब प्रेजेंस या एब्सेंस कुछ बताएगी हमें, ठीक है। और अगर ये प्रेजेंट होंगे किसी प्लेस पे तो हम सोच सकते हैं कि वो एयर जो है क्लीन है वहाँ पे, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा लिमिटेड है वहाँ पे। एल्गल ब्लूम भी बायो इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है। जैसे अगर किसी प्लेस के ऊपर एल्गल ब्लूम होती तो आपको पता होगा कि नाइट्रेट और फॉस्फेट इन्हीं की वजह से मतलब मेनली ये जो हमारे जो सॉलिड वेस्ट वगैरह निकलते हैं अगर ये ज़्यादा हो जाएं तो एल्गी जो है काफ़ी मात्रा में ग्रो करती हैं। एल्गी के लिए फर्टिलाइज़र हैं ये, इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अदर इंडिकेटर कौन कौन से हो सकते हैं, फ्रॉग। फ्रॉग जो होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट के प्रति। अगर आप फ्रॉग देख लेते हो किसी प्लेस के ऊपर तो आप सोच सकते हो कि एनवायरनमेंट वहाँ का क्लीन है, वाटर वगैरह प्रेजेंट है वहाँ पे क्लीन, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर के अंदर वो भी एक्ट करते हैं एज अ इंडिकेटर। तो मोस्टली मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे ये जो इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करेंगे, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन के अंदर आएगा। तो मोस्टली हमने देख ही लिया, अगर मतलब ऑल ऑफ द अबव, चांसेस ये होंगे कि ऑल ऑफ द अबव होगा उसका ऑप्शन, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक के अंदर होंगे, मतलब अब जो पानी होगा, पानी के अंदर मान लो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन है तो आप उसको चेक नहीं कर पाओगे ऐसे डायरेक्टली जब तक ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं पॉल्यूशन को। तो अगर ये पॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर लेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल आप वाटर से निकालोगे तो आप उससे चेक कर सकते हो वाटर के अंदर क्या क्या पॉल्यूशन है ज़्यादा, ठीक है। और ये कुछ प्रोटीन भी रिलीज़ करते हैं जो कि स्ट्रेस प्रोटीन बोलते हैं उनको, उन अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो आप चेक कर सकते हो, मतलब आपको पता लग जाएगा कि अगर ये स्ट्रेस प्रोटीन रिलीज़ कर रहे हैं तो वाटर के अंदर पॉल्यूशन होगा। और एक ड्रैगन फ्लाई जिसको हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं वो भी एक्ट करता है एज ए बायो इंडिकेटर। अगर ये किसी पानी के ऊपर प्रेजेंट है तो मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा स्पैरोज होती, बटरफ्लाई, ये भी एक्ट करती हैं बायो इंडिकेटर के तौर पर। फिर नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। तो पेरिस क्लाइमेट डील इंडिया ने साइन की हुई है, उसके लिए अब इंडिया पोटेंशियल ढूंढ रहा है कि कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। तो जैसा इसके नाम से पता लग रहा है हमने कार्बन को कैप्चर करना है। कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है और आपको याद रखना है कि मतलब राउंड अबाउट 60% जो है कार्बन ही ग्रीन हाउस करती है, जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग है वो 60% कार्बन की वजह से ही है, ठीक है। मतलब ये जो होती है इसका पोटेंशियल सबसे कम है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें सबसे कम होगा इसका पोटेंशियल, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में यही प्रेजेंट है तो ये सबसे ज़्यादा यही कर रही है, ठीक है। तो पेरिस डील के अंदर तो कार्बन को क्या करना है, हमने एक्चुअली एटमोसफियर से हमने उसको कैप्चर करना है और उसके बाद ऐसी जगह पे डाल देना है उसको कि जहाँ से वो रिवर्स होके एनवायरनमेंट के अंदर या तो आ ही ना सके और आए तो काफ़ी हज़ारों सालों बाद आए। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है पहले भी यूपीएससी ने, 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि जो कार्बन को कैप्चर करके कहाँ कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो गैस के रिजर्वायर होंगे, जहाँ से गैस निकाल दी वो खाली हो गए वहाँ पे इनको स्टोर कर सकते हैं। कैप्चर की आपने उसमें डाल दी, ठीक है, अब वो ज़मीन के अंदर कैप्चर हो गई। डीप सेलाइन फॉर्मेशन के अंदर एंड जो कोल बेड्स होते हैं जहाँ से कोल आपने निकाल दिया उसके बाद वो खाली हो गया वहाँ पे आपने इसको डाल दिया। और डीप सेलाइन फॉर्मेशन क्या होता है, जो डीप ओशन का वाटर होगा उसके डीप के अंदर क्या होगा, जो रॉक्स होंगी वो परमिएबल रॉक्स होंगी नीचे, ठीक है, उन रॉक्स के अंदर जो सॉल्टी वाटर है वो फैला होगा उनके अंदर, तो उसको बोलते हैं डीप सेलाइन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड रॉक्स होंगी जो मतलब जिनमें सेलाइन फ्लूइड भरा होगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा फिर से, इसके ऊपर पूछ लिया पहले ही। नेक्स्ट आता नेचुरल कैपिटल, तो ये डेफिनेशन याद रखने की, बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो नेचुरल कैपिटल होती है कि नेचुरल जो असेट होती हैं जो काम आती है इंडिविजुअल के, जैसे सॉयल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स, तो वो नेचुरल कैपिटल है। नेक्स्ट आता अनुपम वर्मा कमेटी पेस्टिसाइड्स के लिए बनाई थी ये, ठीक है, तो नाम याद रखना अनुपम वर्मा पेस्टिसाइड्स के लिए बनाई हुई है कमेटी, ठीक है। तो पेस्टिसाइड के बारे में देख लेते हैं, पेस्टिसाइड होता क्या है। तो कोई भी डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट
एनिमल या कोई प्लांट भी हो सकता है ये, ठीक है, कोई प्लांट भी हो सकता है ये, और जो कि अटैक करेगा क्रॉप्स के ऊपर, फूड के ऊपर या लाइफ स्टॉक के ऊपर, एनिमल वगैरह के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और पेस्टिसाइड क्या होता है, साइड का मतलब कि जो भी अटैक करता है, जो भी चीज़ हमने ऊपर देखी, इंसेक्ट जो है, एनिमल है, प्लांट, उनके ऊपर अटैक करेगा उसको बोलेंगे पेस्टिसाइड्स। और पेस्टिसाइड के अंदर आ सकते हैं हर्बिसाइड हो सकते हैं, या इंसेक्टिसाइड आ सकते हैं हमारे, ठीक है, फंगीसाइड आ सकते हैं, या डिसइंफेक्टेंट आ सकते हैं। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में हर्बिसाइड जो है क्या डिस्ट्रॉय करते हैं, वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। हर्बिसाइड मतलब जैसे नाम है यहाँ पे लिखा हुआ हर्ब, एक हर्ब होता है, एक श्रब होता है। तो हर्ब वो होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जिनका जो स्टेम होगा वो वुडी नहीं होगा, मतलब फ्लैशी होगा, ग्रीन कलर का स्टेम होगा, उसको बोलेंगे हर्ब। और श्रब कौन से होंगे, वो भी छोटे छोटे हो सकते हैं लेकिन उनका जो स्टेम होगा वो आपको वुडी दिखेगा, ठीक है, वुडी होगा उनका स्टेम। और ट्री तो आपको पता ही है ट्री कैसा होता है। तो ये हर्बिसाइड है, हर्ब को किल कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करेंगे, फंगीसाइड फंजाई को क्लियर करेंगे, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट क्या करेंगे, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के काम आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडिया को 14th रैंक किया गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो क्लाइमेट चेंज में क्या परफॉर्मेंस है, उसमें इंडिया को 14th स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये इंडेक्स निकालता कौन है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे जर्मन वॉच है, ये निकालती है इस इंडेक्स को। और जर्मन वॉच है कि एक्चुअल में, ये भी पूछा जा सकता है, पहले भी क्वेश्चन आया, यूपीएससी पूछ लेती है, ऐसी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको पूछ लेगी कि ये एनजीओ है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यहाँ पे है नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दोनों वर्ड्स के में डिफरेंस क्या है। नॉन प्रॉफिट का मतलब कि ये पैसे नहीं कमाना चाहती है। बेसिकली क्या होगा, मान लो कि इसकी जो मतलब इसने पैसे कमाए, 100 रुपये कमा लिए इसने, ठीक है, मान लो 100 रुपये कमा लिए, लेकिन और इसको मान लो इसने खर्चा किया था 60 रुपये का। अगर इसने 60 रुपये का खर्चा किया था और 100 इसने कमा लिए, तो अब क्या होगा, 40 रुपये इसके पास सरप्लस हैं, लेकिन ये क्या करेगी, उन 40 रुपये को जो उसके प्रमोटर होंगे, जो मालिक है उसको, उसको नहीं देंगे उस पैसे को, या उसके शेयर होल्डर हैं, जैसे जर्मन वॉच की जो शेयर होल्डर होंगे उनमें भी नहीं बांटा जाएगा, वो इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। तो वो होती नॉन प्रॉफिट, मतलब वे प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते। और नॉन गवर्नमेंटल होती है जिनका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ही हो, ठीक है, नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं जो कि नॉन प्रॉफिट हैं, ठीक है, जैसे GSTN नेटवर्क है हमारा, वो भी नॉन प्रॉफिट है, मतलब वो पैसे जो कमाएगा उसको अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर खर्चा करेगा। लेकिन NGO वगैरह, NGO नॉन प्रॉफिट हो भी सकते हैं, नॉन प्रॉफिट नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी इंडिया सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन जो है अमंगेस्ट हाईएस्ट हो चुका है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और मेनली ये कहाँ से निकलता है, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं हमारे, ठीक है, व्हीकल वगैरह होते हैं, वहाँ से निकलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कलरलेस गैस है, ठीक है, और इसकी शार्प स्मेल होती है, ठीक है, काफ़ी तीखी स्मेल होती है इसकी। और इफेक्ट क्या करता है, ये क्या करता है, आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा, एसिड रेन के बारे में पता होगा आपको, सल्फ्यूरिक एसिड और जो हमारा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, उनसे बनती है हमारी एसिड रेन। तो ये सल्फर जो है, सल्फर डाइऑक्साइड उसमें कंट्रीब्यूट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड सल्फेट पार्टिकल बनाता है और एसिड रेन कॉज करता है। तो 99% जो सल्फर होता है वो ह्यूमन के रिसोर्सेज से निकलता है। और इसके आपको सोर्सेज भी पता होने चाहिए कहाँ से निकल रहा है ये, ठीक है, बेसिकली जो हमारे पॉल्यूटेंट है उनके सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। CO2 के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो क्वेश्चन आ सकता है SO2 के बारे में भी। तो नेचुरली ये वॉल्केनो से निकलता है और मैन मेड सोर्सेज से निकलता है, जैसे हमारा कोल है, ऑयल है, ठीक है, गैस है कोई, उसकी बर्निंग से निकलता है, या कोई स्मेल्टिंग की प्रोसेसेस हो रही हैं, मेटल को क्लीन करने की प्रोसेसेस हो रही हैं, जैसे जिंक की, लेड की, निकल की, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस से निकलता है ये। फिर यहाँ पे ग्रीन हाउस, मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या ये ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में दो बेसिक यहाँ पे कंसेप्ट है, जैसे दो बेसिक रूप हैं इसके अंदर। एक तो हमारा जो मतलब डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज होंगी, मतलब जो कंट्रीब्यूट करेंगी ग्लोबल वार्मिंग के लिए डायरेक्ट, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन। और इनडायरेक्ट वे में जो डायरेक्टली कॉज नहीं करेंगी वो हैं नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसको जब आपको मिलेंगी ये स्लाइड्स, तो उसमें आपने देख लेना इनको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस कॉज नहीं करती, ठीक है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो मोटर व्हीकल एमिशन होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। और इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं, एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर सल्फर हमने डाला हुआ है, सल्फर को नापते हैं उसके हिसाब से। और जो BS 6 9 है उनमें भी सल्फर की बात हो रही है, सल्फर को रिमूव करने के लिए। बेसिकली सल्फर को जो है हमारे फ्यूल लेवल पर क्लीन किया जाता है, क्योंकि जो हमारा अगर इसको जो इंजन है उसकी लेवल पे क्लीन किया जाए तो मतलब इंजन के अंदर आग वगैरह लग सकती है, ये मतलब इसको क्लीन नहीं किया जा सकता उस टाइम, ठीक है। तो इसको फ्यूल के लेवल पे क्लीन किया जाता है, तो गवर्नमेंट को भी फ्यूल को मॉडिफाई करना पड़ेगा BS 6 नॉर्म के हिसाब से। और सेस भी लगाते हैं कोल के ऊपर, हमने देखा कोल से भी SO2 निकल रहा है, तो सेस भी लगाते हैं, उससे भी
जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कम होगा, इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एसिड रेन कॉज कर सकते हैं हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं ये, तो मोस्टली जो आपका मतलब ऑप्शन के अंदर आएंगे वो करेक्ट ही होंगे उसमें। ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी कर सकता है, चिल्ड्रन एल्डरली पॉपुलेशन होती है उसमें, अस्थमा कर सकता है ये, ठीक है, तो ये नॉर्मल से पॉइंट है। नेक्स्ट आया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट्स एमिशन गैप रिपोर्ट, तो एमिशन गैप रिपोर्ट निकालता है UNEP, ये फैक्ट याद रखना। और एमिशन गैप का मतलब क्या है, एमिशन गैप का मतलब है कि डिफरेंस है ये कितना हमें मतलब एमिशन, जैसे इट फोकस ऑन द गैप बिटवीन द एमिशन रिडक्शन नेसेसरी टू अचीव द एग्रीड टारगेट एट लोएस्ट कॉस्ट, मतलब कितना हमें एमिशन जो है अचीव करना है और जो हमने INDCs लिए हुए हैं उनको अगर अप्लाई कर दिया जाएगा तो कितना अचीव कर पाएंगे, मतलब हमने 100% अचीव करना है, अगर INDC को अप्लाई करते हैं तो कितना हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है, 50 कर पाएंगे, 60 कर पाएंगे, उनके बीच में जो गैप बचेगा, ठीक है, अगर INDC से हम मान लो 60% कवर कर पा रहे हैं तो उसका जो गैप बचेगा उसको बोलते हैं एमिशन गैप, ठीक है। और ये रिपोर्ट है UNEP की, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है, इसने बोला कि जो INDC डिक्लेयर किए हुए कंट्रीज़ ने सिर्फ 1/3 रिक्वायरमेंट जितनी हमें चाहिए एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए उसको पूरा करते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने बताया कि जो रेट ऑफ एमिशन है वो डिक्रीज तो नहीं हुआ है लेकिन पहले जितना इंक्रीज होता था उससे कम हो गया है। नेक्स्ट आता है NCR रीजन में, जो सीवियर लेवल ऑफ एयर क्वालिटी नापी गई वहाँ पे, ठीक है, एयर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है वहाँ पे, तो उसी के कंटेक्स्ट में आता है अब एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, तो एयर की क्वालिटी को नापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है हमारे पास, तो ये मेजर अर्बन सेंटर्स के अंदर लगाया गया है, मतलब ऑल ओवर अगर बोलेंगे कि पैन इंडिया में हर चीज़ के ऊपर लगाया हुआ है, हर रूरल एरिया अर्बन एरिया, तो वहाँ पे नहीं, मेजर अर्बन सेंटर के ऊपर, इसमें पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये रियल टाइम बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग करेगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको बनाया हुआ है एंड ये स्वच्छ भारत जो हमारा कैंपेन है उसके अंडर है, ठीक है, जो स्वच्छ भारत अभियान था उसके अंडर इसको बनाया गया था। और इसके अंदर 8 मेजर पॉल्यूटेंट हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो क्वेश्चन फिर से पूछने के चांसेस नहीं है अब इसके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, जैसे PM10 है, PM2.5 हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया, लेड, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, इनके नाम ही पूछे थे, तो क्वेश्चन अब इनडायरेक्ट वे में आ सकता है, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको बनाया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रियल टाइम बेसिस पे करता है, या इसके ऊपर पूछ सकते हैं जो इंडेक्स है 0 से 50 गुड क्वालिटी है, ठीक है, जिसको हरे रंग से दिखाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। एंड 301 से 500 तक ये है हजार्डस, और इसको मैरून कलर से, मतलब मैक्सिमम ये है मैरून कलर से दिखाते हैं और ग्रीन से दिखाते हैं गुड क्वालिटी को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। एंड यहाँ पे दिल्ली के अंदर स्मोक बन रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं, वैसे बेसिक है ये लेकिन इसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो स्मोक एक्चुअल में क्या होती है ये मिल जाएगा आपको शंकर आई इसकी 4th edition 51 पेज के ऊपर। तो स्मोक क्या होती है, स्मोक होती है स्मोक प्लस फॉग, तो फॉग क्या होता है, फॉग बादल होता है जो कि लो लेवल के ऊपर बनता है, जैसे ज़मीन है बादल ऊपर बनते हैं, ठीक है, ऊपर बादल बनते हैं, कंडेंसेशन होती है पानी की, लेकिन अगर नीचे कंडेंसेशन पानी की हो तो उसको फॉग बोलते हैं, ठीक है। तो स्मोक क्या होता है, स्मोक होती है कलेक्शन ऑफ सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल होंगे, ठीक है, या गैसेस पार्टिकल भी हो सकते हैं, ये स्मोक जो धुआं होता है उसके अंदर सॉलिड लिक्विड गैसेस पार्टिकल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो स्मोक और फॉग जब मिलेगी तो स्मोक बनाएगी। और दो तरीके की स्मोक होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, एक होती है फोटोकेमिकल स्मोक जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक या लॉस एंजल स्मोक, तो जगह के नाम पर रखा हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा नोटिस किया जाता होना इसको, तो उस नाम पर इसको रख दिया हुआ है, ठीक है। और ये फोटोकेमिकल इसको तब रखा है, फोटो मतलब लाइट, तो ये लाइट की प्रेजेंस में मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहा है ये, और फोटोकेमिकल बन रहे हैं कुछ उनकी वजह से बन रहा है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग वर्ड यूज़ हुआ है तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंपाउंड है फोटो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं इसके अंदर में, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बन रहा है ये, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इनको व्हीकल से एमिशन होता है इनका, और पैन जो है पैन एक फोटो ऑक्सीडेंट है, मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ये डिफरेंट रिएक्शन से। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन होता है सेकेंडरी कौन होता है, तो ओजोन भी सेकेंडरी है एंड ये पैन जो है हमारा परोक्साइल नाइट्रेट भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो कि रिएक्शन से बन रहा है। और यहाँ पे एक इन्होंने मेंशन किया वो ओजोन है, ठीक है, तो ओजोन भी है, चार से मिलके बना ये फोटोकेमिकल स्मोक और सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है ये, तो ये एक पार्ट हो गया स्मोक का, ठीक है। जैसे ओजोन है हमारी, ओजोन बनती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होंगे वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे मिलेंगे फिर बनाएंगे वो ओजोन को, ठीक है, ये इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आता है जैसे हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो मतलब वोलेटाइल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भाप बन के उड़ जाएंगे थोड़े टाइम के अंदर उनको रख देंगे तो, ठीक है, उसके साथ मिलेगा ये, तो ये बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी इसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, फिर इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर, और ये क्या करेगा अपना एक ओ छोड़ देगा बाहर,
एक ओ निकाल दे रहा है ये बार, और ये ओ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है यहाँ पे और ओजोन बना दे रहा है, ठीक है, ओजोन बना रहा है ये। एंड नेक्स्ट में क्या होगा, जो NO2 है, ये जो NO2 देखा, ये कंबाइन करेगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से और बनाएगा पैन। तो जो पैन है हमारा परऑक्साइल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ओजोन भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली निकल रहे हैं किसी चीज़ से, ठीक है, ये सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर में बन रहे हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट हुए फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर, NO2 हो गया हमारा, ठीक है, ओजोन हो गया एंड पैन हो गया हमारा, और एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट आती है इसकी दूसरा पार्ट है सल्फरस स्मोक बोलते हैं उसको, लंडन स्मोक या रिड्यूसिंग स्मोक, पहली ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें सनलाइट का ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है, सनलाइट का ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, मेनली रोल है हमारा सल्फर का। सल्फर डाइऑक्साइड की लेवल जब ज़्यादा हो जाएगी और उसके साथ स्मोक जो है कंबाइन करेगी तो बनेगा ये सल्फरस स्मोक जो थी लंडन टाइप, और 1950 में इंसिडेंस हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से इसका नाम ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हेज के बारे में देख लेते हैं। तो हेज क्या होती है, एटमोस्फेरिक फिनोमेना है जिसके अंदर डस्ट वगैरह, स्मोक और अदर ड्राई पार्टिकल होंगे जो कि एयर की क्लियरिटी को ख़राब कर देंगे, मतलब एयर के अंदर डस्ट है हमारी, स्मोक है और अदर ड्राई पार्टिकल हैं, एयर की क्वालिटी को ख़राब कर देंगे। और इसमें याद रखना आपको डिफरेंस अगर पूछा जाए स्मोक में हेज के अंदर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसमें कंडेंसेशन नहीं होती, स्मोक जो है आपकी उसके अंदर फॉग है तो मतलब कंडेंसेशन हो रही है, लेकिन इसमें कंडेंसेशन नहीं होती, ठीक है, वैसे सिमिलर है स्मोक की तरह लेकिन कंडेंसेशन अब्सेंट है इसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नोटिफाई ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो ये भी दिल्ली पॉल्यूशन की बात हो रही है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड का मतलब कि अपग्रेड करेंगे, अगर थोड़ा पॉल्यूशन होगा तो एक लेवल, उससे थोड़ा सा और बढ़ेगा तो और लेवल चलाएंगे, उससे थोड़ा तो और लेवल, मतलब ये कंट्रोल मेजर लेंगे हम इतने ज़्यादा, ग्रेडेड एंड रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स करेंगे हम पॉल्यूशन को। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये किस बेस पे किया जाएगा, मतलब कैसे नापेंगे हम एयर की क्वालिटी को, पीएम 2.5 एंड पीएम 2.10 है उनके बेस पे नापेंगे, इनकी जब क्वांटिटी ऊपर बढ़ेगी तो ये उसको बेस लेके चलेंगे ये, ठीक है। एंड ये एनफोर्स कौन करेगा इसको, ये करेगा एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी 1998 के अंदर बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, डायरेक्शन दी थी तो बनाया था इस अथॉरिटी को। और इसके अंदर मेजर वगैरह लगाए हुए हैं कि क्या क्या मतलब एक्टिवेट हो जाएगा कितनी लेवल के ऊपर। तो एमरजेंसी सिचुएशन कब बोलेंगे, जब पीएम 2.5 है वो 300 माइक्रोग्राम पे चला जाएगा और जो पीएम 10 है वो जाएगा हमारा 500 माइक्रोग्राम, ठीक है, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड दिल्ली ये क्या हुआ था 2012 के अंदर, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया था सुप्रीम कोर्ट को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी सेंटर को, सेंटर फिर लेके आया इसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, और इसको एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी एनफोर्स कर रही है। और जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है इसके पास में पावर है 1986 का जो एनवायरमेंट एक्ट है हमारा उसके अंतर्गत इसके पास पावर है, जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है, ठीक है। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसने बेसिकली रिपोर्ट बनाई थी इसके लिए दिल्ली एनसीआर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते ये हमारा इंडेक्स होगा, इसमें क्या होगा, पहली हमारा जो मॉनिटर करेंगे ये पहला है मॉडरेट टू पुअर, मॉडरेट टू पुअर में क्या होगा, जो पीएम 2.5 है मॉडरेट का होगा, पीएम 2.5 61 से 91 तक होगा एंड पीएम 10 है वो 101 से 250 तक होगा, और पुअर क्वालिटी ऐसे बताई हुई है, उसके बाद आता वेरी पुअर क्वालिटी, फिर उसके बाद आएगी सीवियर क्वालिटी, फिर आएगा नेक्स्ट एमरजेंसी। तो एमरजेंसी के जो पॉइंट होंगे उनको याद कर लेना कि पीएम 2.5 और 10 कितने होंगे, तब एमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी। और ये यहाँ पे मेजर लिखे हुए हैं कि अगर मॉडरेट क्वालिटी हो जाती तो क्या करेंगे, ठीक है, फिर अगर एमरजेंसी हो जाती तो क्या करेंगे, तो इनके ऊपर चांसेस पूछने के काम है, लेकिन बेसिकली ये याद कर लेना कि सीवियर क्वालिटी होगी कितने पे डिक्लेयर किया जाएगा कि सीवियर क्वालिटी है, ठीक है। और जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये हमारी स्टेचुटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना आपने। और कौन से एक्ट के अंदर बनाई गई थी इसको, 1974 का जो एक्ट है वाटर पॉल्यूशन का एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल का एक्ट है, उसके अंतर्गत बनाया था। तो एनवायरमेंट में इंपॉर्टेंट होता है कौन सी बॉडी किस एक्ट के अंदर है, तो ये 1974 के एक्ट के अंदर है और इसको पावर्स मिली हुई हैं, 81 का जो एयर एक्ट है उसके अंतर्गत भी इसको पावर मिली हुई है। और ये क्या करेगा, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को और कोऑर्डिनेट भी करता है जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी एक्टिविटीज़ को, ठीक है, और उनके बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको भी रिजॉल्व करता है। और ये टेक्निकल जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को वो होती है हमारी 1968 के एक्ट के हिसाब से, ठीक है, 1986 के एक्ट के हिसाब से। तो तीन एक्ट से डील कर रहा है ये, बेसिकली किस एक्ट के अंदर बनाया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 74 के एक्ट के अंदर। और जो एयर एक्ट है उसके अंदर भी पावर है इसके पास में, तो ये काम क्या करता है, एयर पॉल्यूशन के लिए को कंट्रोल करने के लिए काम करता है ये,
ठीक है, नॉट एयर पोल्यूशन मतलब कोई भी तरीके का पॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, वो सब काम करेगा ये। और जो अथॉरिटी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसको अप्लाई कर रही है वो कौन है, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। 1998 के अंदर बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद NCR रीजन के लिए बनाया गया था, और इसके पास पावर है 1986 का एक्ट है उसके हिसाब से इसको पावर दी गई है। ये काम क्या करेगी, बेसिकली स्टैंडर्ड वगैरह तय करेगी, ठीक है, मॉनिटरिंग करेगी, मतलब स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए एयर क्वालिटी वगैरह के लिए उसको बताएगी, कोई इंडस्ट्री वगैरह है उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए वो बताएगी, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हैं और जो ये बताएगी। बेसिकली याद रखना कि 1998 के अंदर बनाई थी और 86 के अंदर पावर्स मिली हुई हैं इसको। नेक्स्ट आती है, एक हवा बदलो ऐप बनाई थी। हवा बदलो ऐप ऐसी थी कि जो NCR रीजन के नेशनल कैपिटल के जो पर्सन थे वो क्या कर सकते थे, रिपोर्ट कर सकते थे, कोई मतलब पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, लीफ गार्बेज वगैरह बर्निंग हो रही है, तो उसको फोटो खींच के भेज सकते थे, इस ऐप के थ्रू भेज सकते थे, ठीक है, कंप्लेंट कर सकते थे। और इसको बनाया किसने, एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी, जो हमने अथॉरिटी पढ़ी अभी, इस अथॉरिटी ने बनाया हुआ हवा बदलो ऐप, ठीक है। फिर आता सुप्रीम कोर्ट बैन द यूज़ ऑफ फर्नेंस ऑयल एंड पैट कोक इन हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो फर्नेंस ऑयल और पैट कोक को बैन कर दिया गया, इनको इंडस्ट्री वगैरह में फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता था, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया इनको, ठीक है। दिल्ली के अंदर पहले से ही बैन है, तो पैट कोक के बारे में देख लेते हैं। पैट कोक एक कार्बन रिच मतलब जो ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं उसमें से बच जाता है ये, ठीक है, उसमें बच जाता है। और इसमें आपको याद रखना है कि 90% जो है कार्बन होता है इसके अंदर में, 3-6% सल्फर होता है, ठीक है, तो मोस्टली इसमें कार्बन होता है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसको बॉटम और बैरल फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक है, और डर्टियर होता है ये, कोल से 11% ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, ठीक है, और दिल्ली के अंदर इसको पहले बैन कर दिया गया एंड इस तरीके का दिखता है। नेक्स्ट आया फर्नेंस ऑयल, तो फर्नेंस ऑयल को फ्यूल ऑयल भी बोलते हैं, ये हैवी ऑयल होता है, मैरीन फ्यूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये मतलब पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग करते हैं वहाँ से ये ऑब्टेन होता है, ठीक है, और ये फ्यूल ऑयल है मतलब इसको यूज़ किया जा सकता है जैसे ट्रक कार वगैरह वहाँ पे, पर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा करता है तो इसको बैन किया गया क्योंकि दिल्ली के अंदर काफ़ी पॉल्यूशन है पहले से ही। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये जो कंसेप्ट आया इससे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन पे क्वेश्चन आए या हो सकता है इन पे क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन ऑयल की रिफाइनिंग होती है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उससे मेनली चार प्रकार के प्रोडक्ट निकलते हैं, एक लाइट डिस्टिलेट मतलब जो लाइट प्रोडक्ट होंगे वो ऊपर तैरेंगे उसमें, ठीक है, वो लाइट प्रोडक्ट, मिडल के प्रोडक्ट, और एक हैवी डिस्टिलेट और रेजिडियम, चार टाइप के निकलेंगे ये, और इनके नाम याद रख लेना आप। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइट है या मिडल है या हैवी है, बट ये याद कर लेना कौन कौन से निकलते हैं, जैसे LPG है, गैसोलीन है, नेफ्ता निकल रहा है, किरोसिन, जेट फ्यूल, डीजल एंड हैवी और रेजिडियम जो है इनमें निकलेगा हैवी फ्यूल ऑयल। हैवी फ्यूल ऑयल हमने देख लिया, फर्नेंस ऑयल को ही बोल रहे हैं, और लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स और एस्फाल्ट, और जो हमने पहले देखा पैट कोक, ये थोड़ी और प्रोसेसिंग होती है उसके बाद निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से क्रूड ऑयल जाता है, यहाँ पर रिफाइनिंग होती है, और जो जैसे हमने देखा कि लाइट कहाँ होंगे, लाइट ऊपर होंगे हवा के अंदर उड़ रहे होंगे गैस की फॉर्म में, ठीक है, मिडल कहाँ होंगे, मिडल होंगे मिडल के अंदर, और हैवी होंगे बेस के अंदर, और रेजिडियम उससे नीचे, ठीक है। तो ये हमारी रिफाइनिंग की प्रोसेस है, याद करने पड़ेंगे आपको कौन कौन से हैं इसके अंदर में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता ग्लोबल ई वेस्ट मोनिटर रिपोर्ट 2017, तो इसको किसने लॉन्च किया वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन। नेक्स्ट आता हमारा सडन चेंज इन द कलर ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट है हमारी, इसमें इसका कलर चेंज हुआ, तो ये क्यों चेंज हुआ, इसके लिए एक ऑर्गेनिज्म है एमिलिनिया हुक्सलेई, इस ऑर्गेनिज्म की वजह से चेंज हुई। तो ऐसे नाम इसका मतलब जर्नल सा पहचान लेना अगर ऑप्शन के अंदर आता है आपको, तो इस तरीके का दिखता है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और बॉस्पोरस स्ट्रेट कहाँ पे है, तो ये हमारा ऊपर यूक्रेन है, ठीक है, ये रशिया है हमारा, ये सी ऑफ अजोव है, मैपिंग के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, सी ऑफ अजोव आता है, उसके बाद ब्लैक सी आता है, फिर सी ऑफ मरमरा आता है, फिर एजियन सी आता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है मैपिंग के लिए भी आपका। और यूक्रेन है, यूक्रेन का पार्ट था पहले क्रीमिया, जिसको रशिया ने कब्जा कर लिया है उसके ऊपर, और यहाँ पे पोर्ट है हमारा सेवास्तोपोल पोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया का जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे पोर्ट जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है, विंटर में, या मोस्टली फ्रीज ही रहते हैं वहाँ पे, तो रशिया को मतलब पोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो ये सेवास्तोपोल जो पोर्ट है इसको कब्जा करने के लिए, पहले इसको लीज़ पे लिया था, फिर रशिया ने इस पे कब्जा ही कर लिया, रेफरेंडम करवा के कब्जा कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद ब्लैक सी, ये आता हमारा यहाँ पे बॉस्पोरस स्टेट जो है, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है बॉस्पोरस स्टेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर आता सी ऑफ मरमरा, फिर एजियन सी। नेक्स्ट आता है सेंसर नेटवर्क टू मैप
एंड प्रिडिक्ट द पॉल्यूशन एफुलेंट इन गोदावरी। तो गोदावरी जो रिवर है, वैसे मोस्टली हम फोकस कर रहे हैं गंगा रिवर के ऊपर पॉल्यूशन, लेकिन गोदावरी रिवर का पॉल्यूशन जो, उसको मॉनिटर करने के लिए सेंसर का नेटवर्क मतलब रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके कौन इसकी बात चला रहा है, US के रिसर्चर। तो ये याद रखना आपने कौन इसकी बात चला रहा है। जैसे क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कर रही है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके अंदर कर रहे हैं, बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन है, ठीक है, जो हमारा बिल गेट है उनकी फाउंडेशन है और उनकी बीवी है उनकी फाउंडेशन है, उसके तहत ये काम किया जा रहा है। फिर आता प्रोजेक्ट सनराइज। तो प्रोजेक्ट सनराइज है जिसमें क्या करेंगे हम, फोटोवोल्टिक सेल मतलब जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उनको और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनोवेशन वगैरह करेंगे ताकि सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन की जा सके इंडिया के अंदर, जो विलेजेस हैं वगैरह रूरल एरिया है हमारा, वहाँ पे सोलर एनर्जी को पहुँचाया जा सके। और इसको कौन प्रोजेक्ट को लेड कर रहा है, इसको कर रहा है स्वांसी जो यूनिवर्सिटी है, UK की यूनिवर्सिटी है। तो न्यूज़ के अंदर आया था क्योंकि इनको UK गवर्नमेंट ने काफ़ी ग्रांट दी थी, पैसे दिए थे इनको ताकि जो रूरल एरिया इंडिया रूरल जो हमारे गांव वगैरह होंगे वहाँ पे क्या किया जा सके, मतलब जो सनलाइट के प्रोजेक्ट लगाए जा सकें वहाँ पे, ठीक है, एनर्जी पहुँचाई जा सके उन पे। तो याद रखना स्वांसी जो प्रोजेक्ट है UK की यूनिवर्सिटी, इन्होंने चलाया हुआ है और सन किस चीज़ के लिए आई है। और एक और प्रोजेक्ट है ऐसे ही, प्रोजेक्ट सनराइज, तो ये भी प्रोजेक्ट सनराइज, ये भी प्रोजेक्ट सनराइज, तो दोनों सनराइज हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना इनके बीच। ये जो प्रोजेक्ट सनराइज है ये इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, यहाँ पे HIV के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसको टैकल करने के लिए ये चलाया हुआ है। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं करनी, क्रिएट करनी है। नेक्स्ट आता B4, ब्रह्मपुत्रा बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल बोट। तो ये बोट होगी जिसके ऊपर रिसर्च बोट होगी, मतलब इस बोट होगी उसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर लैब्स वगैरह होंगी, ठीक है, बोट के ऊपर। ये मटेरियल इकट्ठा करेगी यहाँ से सीधा ब्रह्मपुत्रा रिवर से और उसको एनालाइज करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की लैब होगी अंदर। तो बेसिकली क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक बोट इसका निर्माण किया हुआ, ब्रह्मपुत्रा बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल बोट, तो बोट का निर्माण किया है जिसके ऊपर लैब वगैरह होंगी और ये टैकल करेगी पॉल्यूशन को मंजूली आइसलैंड। तो मंजूली आइसलैंड जो है, मंजूली आइसलैंड है हमारी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, असम में प्रेजेंट है ये, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा जा रही है हमारी और यहाँ पे मंजूली आइसलैंड प्रेजेंट है और बिगेस्ट लार्जेस्ट रिवर एंड आइसलैंड है ये वर्ल्ड का, ठीक है। और इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट भी है ये, जो कि रिवर एंड आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसमें क्या किया जाएगा, इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, डैम का इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट और ह्यूमन इंटरवेंशन का क्या इफेक्ट हुआ इकोसिस्टम के ऊपर, यहाँ के इकोसिस्टम को, उसको देखा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसमें बोट वगैरह लगाई जाएंगी, जैसे रिसर्च वगैरह की जाएगी और ये जो डाटा होगा रिसर्च का ये लोकल और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको नॉर्मल सा याद रखना है इसके ऊपर। नेक्स्ट आया सिंगापुर में कैप किया उन्होंने कार के नंबर के ऊपर, मतलब जो प्राइवेट कार होती हैं पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो जाए उसके लिए उन्होंने फ्रीज कर दिया, 2 साल तक फ्रीज कर दिया कि प्राइवेट कार वगैरह वहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए यही जो हमारा पहला टॉपिक था पॉल्यूशन का, वो हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी पिछले साल, ठीक है। तो वो बेसिक जो आती है आपकी क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, IUCN का बाया, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें WWF जो, वो मतलब जो हमारा बेसिक होता है जो पुराना है, जो शंकराचार्य की बुक में मिलेगा आपको, वो कवर किया हो मैंने उन वीडियोस के अंदर में, तो वो थोड़ी पुरानी वीडियो है, उनके आपको जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश हुई थी तो उसके बाद वो लॉस्ट हो गई थी, ठीक है। तो उसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे या कोई एक पर्सन नोट्स बना देना उसके और शेयर कर देना नोट्स आगे उसके, ठीक है। तो वो होंगे 4-5 वीडियोज़ होंगी, वो आपको देखनी पड़ेंगी, उसके लिए बेसिक वहाँ से कवर होगा क्योंकि बेसिक जो अभी करंट अफेयर के अंदर चला है उसमें तो थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन कवर होंगी। हमने देखा 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 7-8 क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो बेसिक जो है उनको तो कवर करना ही पड़ेगा अच्छे से और जो साइट्स होती हैं इनकी वहाँ से भी, जैसे WWF की साइट है, UNEP की साइट, वहाँ से उठा के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो करंट के अंदर तो पूरी नॉलेज दी नहीं होती इनके बारे में या बेसिक नहीं दिए होते, मतलब क्योटो पहले आया या पेरिस पहले आया, जैसे 1992 की अर्थ समिट आई उससे पहले, मतलब वहाँ से किस तरीके से ओरिजिन हुआ, तो वो वहाँ से कवर करोगे और उसके बाद जो करंट के अंदर बनी हुई है उसको छोड़ के जो भी बचेंगी हमारी उनको मैं कवर करूंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं और आप में से कोई अगर जूलॉजी ऑप्शनल के लिए है तो मुझे मेल कीजिएगा इस ईमेल एड्रेस के ऊपर, ठीक है। किसी का जूलॉजी ऑप्शनल है तो इस ईमेल एड्रेस पे मेल कीजिएगा। थैंक यू।